हेलो हेलो गाइस, बिंगो बास्केट सेल्स सचिन इन इंडिया और इंडिया से आउट ऑफ इंडिया भी पहले आइसक्रीम वर्सेस फ्रोजन डेजर्ट मिल्क फैट वेजिटेबल टैग वेजिटेबल फैक्ट इन आइसक्रीम। वहाँ से अमूल ने कॉपी करके या इंडिया में भी वही ट्रेंड उन्होंने रखा कि फ्रोज़न डेजर्ट अलग होता है और आइसक्रीम अलग होता है। फ्रोज़न डेजर्ट कम कॉस्ट में बनता है, मिल्क फैट रियल आइसक्रीम महंगा रहता है और अच्छा रहता है। तो उसी पे अपडेट हुए, क्वालिटी वॉल्स ने टेक ओवर किया आदित्य मिल्क आइसक्रीम करके था वो ब्रांड, और उसका प्लांट टेक ओवर किया और उन्होंने मिनिमम रेंज स्टार्ट की है इंडिया में। जैसे ये 10 रुपये से वाला कोन चोको कोन, ये फ्रोजन डेजर्ट ही है वो एज पर उनके, मगर उन्होंने भी उस पर काम किया है। तो वो बोल रहे हैं कि वेजिटेबल ऑयल प्रोटीन प्रोडक्ट नाउ, उनका कहना है यानी कि फ्रोजन डेजर्ट ओल्ड हो गया। अब उन्होंने कहा है कि वेजिटेबल ऑयल प्रोटीन प्रोडक्ट है ये, यानी प्रोटीन। और ये कौन अच्छा, ये 10 रुपीज़ का अच्छा चल रहा है मार्केट में, क्वालिटी टेस्ट नॉट बैड। दे अपडेटेड, सो अभी सेल्स और मार्केटिंग में नया हो गया है आइसक्रीम वर्सेस फ्रोजन डेजर्ट, ये चैप्टर ऑलमोस्ट है ये और लोअर हो गया अभी ये वेजिटेबल प्रोटीन कंटेंट। तो इसके बारे में आपका क्या देखते हैं? और वेजिटेबल प्रोटीन हो गया इसमें, वेज फ्रोजन डेजर्ट वर्सेस का चैप्टर अपडेट हो गया है, वेजिटेबल प्रोटीन बोल रहे हैं सी प्रोटीन। और 10 रुपीज़ वाला मार्केट भी देख लो, 10 वाला कौन 10 में